हमास को जड़ से मिटाने के मकसद से गाजा में उतरे इसराइल को अब तक कोई खास कामयाबी हाथ नहीं लगी है। हालांकि इसराइल के हवाई और जमीनी हमलों से गाजा पूरी तरह से तबाह जरूर हो गया है। गाजा से आ रहे चौंका देने वाले वीडियो में हमास लड़ाके इजरायली बलों पर हावी नजर आ रहे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि जब IDF वापस उन इलाकों में हमास से लड़ रही है जहां से वो काफी पहले ही आगे बढ़ चुकी थी। इससे साफ है कि गाजा में हमास का दबदबा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, बल्कि इजरायल की पकड़ कमजोर होती जा रही है। अहम ये भी है कि इस जंग में इसराइल पर चारों ओर से भीषण हमले हो रहे हैं। IDF अकेले हमास का ही सामना नहीं कर रही, बल्कि ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों से लेकर इराक के इस्लामिक प्रतिरोध तक, सीरिया के चरमपंथी संगठनों से लेकर लेबनान का हिजबुल्ला तक इस युद्ध में कूदा हुआ है। इससे जंग और भीषण और खतरनाक हो गई है। इसराइल चौतरफा हमलों से जूझ रहा है। लेबनान के लगातार घातक हमलों से इसराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसके जवाब में इसराइल ने भी लेबनान पर सीधे युद्ध की धमकी दी। बीते दिनों इजरायली PM ने हिजबुल्ला समूह को चेतावनी दी थी कि IDF एक बड़े ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो वहीं इजरायल के रक्षा मंत्री ने तो लेबनान को पाषाण युग में वापस ले जाने तक की धमकी दे डाली थी। ऐसे में इजरायली नेताओं के पुराने बयान अब उनके गले की फांस बनते दिख रहे हैं। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि इजरायल अगर एक साथ दूसरा युद्ध शुरू करता है तो उसे इसके बुरे नतीजे भी झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दरअसल पिछले 9 महीनों से ज्यादा समय से चली आ रही गाजा जंग के रुकने के कोई आसार दिख नहीं रहे हैं। अगर दूसरे छोर पर भी जंग शुरू होती है तो इजरायल को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। इस बीच खबरें आई हैं कि उत्तरी इजरायली नेता लेबनान से युद्ध नहीं चाहते हैं। इसके पीछे कई वजहें भी गिनाई जा रही हैं। दरअसल हिजबुल्ला की ताकत देख इजरायल के भीतर खौफ पैदा हुआ है और उसके लड़ाकों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। हिजबुल्ला हमास के मुकाबले कई गुना ज्यादा ताकतवर है। इस समूह के पास मिसाइल और रॉकेट्स का बड़ा भंडार होने के साथ साथ अपनी मजबूत इंटेलिजेंस यूनिट भी है। हिजबुल्ला के हथियारों के जखीरे में गाइडेड और अनगाइडेड दोनों तरह के रॉकेट्स हैं। इसके अलावा ड्रोन, एंटी टैंक, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी शिप और गाइडेड एंटी टैंक मिसाइलें भी हैं। हिजबुल्ला की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने इसराइल को 2006 की जंग में बुरी तरह हराया था। हिजबुल्ला ने अपनी ताकत को लगातार बढ़ाया है। हिजबुल्ला महज मिलिशिया ग्रुप न रहकर अब लेबनान का बड़ा पॉलिटिकल ग्रुप भी है। गाजा युद्ध के चलते इसराइल को पहले ही काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसराइल के लिए हालिया दशकों के सबसे लंबे युद्ध से उसके सैन्य भंडार खत्म होते जा रहे हैं। नेतन्याहू सरकार ने अब तक गाजा युद्ध से बाहर निकलने के लिए भी कोई खास रणनीति भी नहीं बनाई है। डिफेंस एक्सपर्ट्स ने भी चेताया है कि लेबनान में इसराइल को बड़े और बेहतर हथियारों से लैस और पेशेवर सैनिकों का सामना करना पड़ेगा। हमास से भी ताकतवर समूह से भिड़ंत इसराइल पर भारी पड़ सकती है। इसराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पूर्व अफसर ने कहा कि इसराइल छोटे युद्ध लड़ने का आदी है, लेकिन 9 महीने के बाद IDF खत्म हो गया है। उसके जवान अब थका हुआ महसूस करने लगे हैं। इजरायली बलों का मनोबल भी काफी गिर गया है। इसराइल को अब अपने बचे कुचे सैन्य साजो सामान को संभालने की जरूरत है। इसराइल अपनी अधिकतर युद्ध सामग्री का इस्तेमाल कर चुका है। हालांकि इजरायली सेना बीते कई महीनों से लेबनान पर हमले की योजना बना रही थी।
वॉर कैबिनेट के सदस्य रहे बेनी गेंट्स ने बताया कि उन्होंने और अन्य सदस्यों ने पीएम नेतन्याहू से मार्च महीने में लेबनान में इजरायली घुसपैठ की मांग की थी, मगर नेतन्याहू इस फैसले से झिझक रहे थे। इसराइल ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उत्तर में घटनाएं वैसे ही चलती रहें, जैसे वे एक और साल गंवा रहे हैं। समय आ गया है कि सैन्य ठिकानों और लेबनानी बुनियादी ढांचों की कीमत चुकाई जाए, हिजबुल्ला जिसका एक हिस्सा है। वहीं अब तक की भिड़ंत की बात करें तो लेबनान में हुए इजरायली हमलों में करीब 94 आम लोग और 300 से ज्यादा हिजबुल्ला लड़ाके मारे गए हैं, जबकि इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों में करीब 20 सैनिक और 11 नागरिक मारे गए हैं। लिहाजा आने वाले दिनों में युद्ध को लेकर तस्वीर और साफ होने की उम्मीद है।